चलते हैं चाय सुट्टा बार, यहाँ पे है हॉट कॉफी, पिज्ज़ा, बर्गर, सब चीज़ यहाँ मिलता है गाइस। तो चलो पहले यहाँ फ़ोटो वगैरह अपना लेते हैं कि आपका यहाँ पे बहुत अच्छा से बैठ जाएगा। यहाँ पे आके यहाँ चेयर में बैठने का मजा लेना चाहिए 15 रुपये। आज ही आज हम जमकर खरीदारी करें हमारे उलेन फरार्डे धमाका सेल। हाँ यही वाला है ना, ठीक भाई का ना है कि नहीं। यहाँ का मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरा नाम ले लो एकदम, यहाँ आपको मतलब डिस्काउंट मिलेगा पास्ता में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड गाइज अभी है आज 28th of December जो कि न्यू ईयर्स ईव गाइज, मतलब 25th से लेके जो 5th of January होता है वो मतलब ये जो टाइम होता है सिर्फ घूमने फिरने, इधर घूमो, पिकनिक जाओ, मूवी जाओ, घूमने जाओ दोस्तों के साथ। सो गाइज अभी मैं मतलब कल हमारा सर्विस होने वाला है फाइनली हमारी बाइक का, तो ये गाइज अभी 1000 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ है। मतलब हमने फाइनलाइज किया था कि जैसे जाती हम रांची में सर्विस कराएंगे, लेकिन क्या है कि ठंड काफ़ी बढ़ जाने के कारण हमने उसको होम सर्विस करा लिया। तो वो ब्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ये ब्लॉग कुछ अलग ही होने वाला है। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले कहीं घूमने वूमने, थोड़ा मोटो ब्लॉग होगा, थोड़ा कहीं इन्जॉयमेंट होगा, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भाई ऐसे किलोमीटर्स को मुझे बढ़ाना, 1000 कर लेने पे क्या है कि थोड़ा अच्छा भी लगेगा, चलो 1000 हो गया फाइनली। तो अभी जस्ट मैं बाइक को निकाला हूँ 2 दिनों के बाद, और इसको सिर्फ हमने परसों रात को धो के रखा था। तो चलो इसको ऊपर से पहले थोड़ा मोड़ा डस्ट को हटा लेते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो भी बहुत ज़रूरी है इस बाइक को निकालने के पहले यार, थोड़ा आई कैची बनाने के लिए। आई कैची तो ऑलरेडी है ही, तो थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव लुक्स लाने के लिए इसको थोड़ा पोछना तो ज़रूरी है। निकल चुके हैं और देख सकते हो यार मतलब धूल कितना ज़्यादा उड़ रहा है यहाँ पे ट्रक के कारण। तो चलो ट्रक से आगे निकलते हैं गाइस, और अभी हम लोग जा रहे हैं धनबाद। हमारा कुछ वैसा प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो देखते हैं, देखा जाएगा, स्ट्रीट फूड वगैरह खाएँगे गाइस। देखते ही देखते अभी हम पहुँच चुके हैं बैंक मोड़ तक। तो गाइस यहाँ पर हमारा किधर जा सकते यार, हमारे साथ कुछ वैसा प्लान ही नहीं है। तो देखते हैं पुराना बाज़ार की साइड हम लोग चलते हैं, काफ़ी दिन हो गया उधर गए हुए हमें। हम ऐसे ही मैंने सडन प्लान बनाया, हमारा कोई ऐसा पहले से फिक्स प्लान नहीं था कि भाई हम लोग को जाना ही जाना है। अभी हम लोग का प्लान बना है कि चलो चाय सुट्टा बार चलते हैं, यहाँ का यहाँ पे खुला है और हम पहले कभी यहाँ आए भी नहीं है। तो चलो यहाँ बाइक कहीं सेफ जगह पार्क करते हैं, उसके बाद चलेंगे, फिर आगे पुराना बाज़ार के अंदर भी जाएंगे, वहाँ काफ़ी ट्रैफिक भी होता है, तो अपनी बाइक का रिएक्शन भी देखते हैं वहाँ पर कैसा मिलने वाला है। चलो चलते हैं चाय सुट्टा बार, मेरे सामने में ही है। एंड गाइस बाइक हमने यहाँ पार्क कर दिया, काफ़ी अच्छा रिएक्शन उधर से मिल रहा है हमें। तो चलो फटाफट चलते हैं चाय सुट्टा बार, यहाँ पे है और यहाँ क्या पता है कश्मीरी बुलेन मेला सेल है लगा हुआ। देखते हैं चाय, हॉट कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब चीज़ यहाँ मिलता है गाइस। तो चलो पहले यहाँ फ़ोटो वगैरह अपना लेते हैं। एंड गाइस अभी हम अंदर तो आ चुके हैं और लाइटिंग थोड़ा सा यहाँ पर कम है, तो हमने डिसाइड किया कि चाय हम पियेंगे वो चॉकलेट चाय। तो यहाँ पे इतना सारा मेनू वगैरह है और इतना जग वग यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा है लगा हुआ। तो फटाफट अपना चाय ऑर्डर करते हैं, चॉकलेट चाय हम ऑर्डर कर रहे हैं जो कि 15 रुपये का है। तो चलो चलते हैं चाय पीते हैं, और पीछे हमारा चाय भी रेडी हो रहा है, तो बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ा फील आउट करते हैं। काफ़ी अच्छा चेयर वगैरह यहाँ पर दिया वाले को, यह है ना ये चेयर में ऐसा टेक्स्चर है ना कि आपका यहाँ पर बहुत अच्छा से बैठ जाएगा, काफ़ी कम्फर्टेबल लगेगा आपको बैठने में। ये देखिए मैं अभी बैठा हूँ इसके ऊपर, ऐसे ही सेम है। यहाँ पे आके यहाँ चेयर में बैठने का मज़ा लेना चाहिए, 15 रुपये में आपको मिल जाएगा चाहे चॉकलेट चाय पियो, 15 रुपये का काफ़ी अच्छा गरम गरम, इतना अच्छा लोकेशन भी है, यहाँ आओ। और मैं अभी आपको रिव्यू करके भी बताऊँगा कैसे यहाँ का चाय का टेस्ट है। एंड गाइस चाय तो नॉर्मल ही लग रहा है यार, चाय चॉकलेट कहाँ है इसका, चॉकलेट गायब है गाइस, चॉकलेट ही बनाया है ना, चॉकलेट का चाय, वो चॉकलेट का चाय पत्ती डला हुआ है। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं, तो गाइस चाय टेस्ट करते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर है, एशियंस लग रहा है, एशियंस चॉकलेट का। यहाँ पर चिल आउट और इन्जॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा है, बाकी चाय तो एवरेज ही था, मतलब अगर आप बाहर भी पियोगे ना तो 10 रुपये में आपको मिल जाएगा, लेकिन
जगह के हिसाब से चाय बेस्ट था, मतलब क्वालिटी फ्लेवर भी था चाय में, चॉकलेट फ्लेवर का। और इतना बड़ा आपको ये मिलता है प्याला, इसके अंदर पूरा भर के देख सकते हो, मार्किंग बना हुआ कुल। तो चलो अब चलते हैं बाहर। लोकेशन आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है यहाँ पे। और ये रहा हमारा वॉलपेपर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आप फोटो वगैरह भी शूट आउट कर सकते हो, लड़की लोग फोटो वोटो खिंचा रही है। और यहाँ पे आपका जैसे बिल विल कराने के लिए। तो चलो अब चलते हैं गाइस। बाइक हमने उधर पार्क किया था, वो रहा हमारा बाइक, देख सकते हो नॉर्मल सबसे कितना अलग ही लग रहा है बाइक देखने में यहाँ से। एंड गाइस लेट्स गो, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा रिएक्शन कैप्चर करने के लिए। सो अभी हम जाने वाले हैं यहीं पुराना बाजार में जो है, थोड़ा मार्केट वगैरह के अंदर जाएंगे। ऑफ रोडिंग हो गया गाइस पुराना बाजार के अंदर आके। यहाँ का मार्केट काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी आ सकते हो, शॉपिंग वगैरह करो, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ मिल जाएगा। लेकिन भाई इससे तो बढ़िया मुझे झरिया का ही मार्केट लगता है, मतलब भले ही क्वालिटी का अगर आपको बात नहीं है ना, तो फिर आप कहीं पे भी जा झरिया में कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो। अरे भाई ऐसे ट्रैफिक में हैंडलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी हम आ गए एक स्टेशन वाले नया रास्ता पे, और काफ़ी मस्त रास्ता है यार, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, वीडियो वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता है, यहाँ वीडियो वगैरह काफ़ी अच्छा शूट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे एक मिनट के लिए रुक के कुछ वीडियो शूट वगैरह कर लेते हैं। और रिएक्शन भाई काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बनाओ तो भाई देखिए वहाँ पर से मैं अभी वीडियो शूट करवा रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रगल होता है भाई। फर्स्ट बर्न आउट काफ़ी मस्त रहा यार। और ये मतलब ऐसे मैं एक सेकंड के लिए किया हूँ, तो इससे कुछ टायर में हार्म वगैरह होता नहीं है, इसलिए मतलब मैं कर सकता हूँ बस, और ज़्यादा मैं इसको करने वाला भी नहीं, बस ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरे बाइक पे बर्न आउट। अब इसके बाद जब ये टायर मैं चेंज कराऊँगा ना तभी करूँगा, बस ये एक शॉर्ट मतलब ऐसे लोकेशन देख के थोड़ा वाइब्स आ गए थे बर्न आउट करने का। भाई लोग देख के काफ़ी रिएक्शन वैक्शन दे रहे हैं, हम लोग यहाँ वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे। तो फोटो वगैरह के लिए ले रहे भाई, फोटो ले लो।
हाँ, प्रियांशु केसरी झरिया एंड गाइस फोटो शूट वगैरह चल रहा है अभी भाई लोगों का। सनसेट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है दूर वहाँ पे, और यार ठंड वंड भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही ठंड है। रात हो गया ना, थोड़ा डे लाइट चला गया इसीलिए थोड़ा अंधेरा आ रहा है। वो एडिटिंग में तुम लोग ठीक कर लेना क्या है? हाँ नहीं नहीं भाई, चलाने तो नहीं दे सकते। और गाइस मैं अभी इसको रेन मोड में ही चलाता हूँ, 40 किलोमीटर में अभी इसका सर्विस ड्यू बता रहा है, 963.2 किलोमीटर हो चुका है। तो कल सर्विस है तो अब तो भाई इसका आवाज़ बस सब चीज़ चेंज होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग एग्जॉस्ट का भी प्लान करेंगे। हाँ यही वाला, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई वीडियो वीडियो डालेंगे ना तो आएगा। ठीक है भाई चलते हैं ना। हाँ वेलकम भाई, चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ पर से। मैं यूजुअली ऐसे कोई फ़ोटो वगैरह के लिए बोलता है ना तो मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस एक टाइम मेरे पास भी ये बाइक नहीं हुआ करती थी, और मैं भी अगर किसी के पास देखता ना तो मेरा भी मन करता कि भाई फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, इसलिए मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। बाकी वो भाई अगर चलाने वाला नहीं मांगेगा तो फिर किसको आता है नहीं आता अच्छा से, किसी को दे तो ऐसे हैंडल नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि कॉस्टली बाइक है, अगर कुछ हो भी जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग इसको बनवा भी नहीं सकते ना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मना करने में, लेकिन फिर भी मना करना पड़ता है। तो भाई चलो चलते हैं, कुछ खाया नहीं हमने, कुछ खाते हैं पीते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ पर से। हमने डिसाइड किया कि चलो ऐसे ही खा लेंगे फिर हम लोग जाके झरिया में ही कहीं चाउमीन वगैरह, क्योंकि चाउमीन तो भाई झरिया का ही सबसे बेस्ट बनता है जहाँ पर हम यूजुअली खाया करते हैं। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy. Anna, ठीक भाईगा ना? है कि नहीं? प्रियांशु केसरी, प्रियांशु केसरी देखना बाबू आएगा तुम्हारा आएगा, ठीक है। फाइनली हम लोग झरिया तो पहुंच चुके हैं, तो चलिए फटाफट यहाँ हमने चाउमीन का ऑर्डर अपना दे दिया, मतलब पास्ता का ऑर्डर दे दिया, और यहाँ का बेस्ट पास्ता होता है। तो सामने वाला जो ये धर्मशाला रूम में जो गोकुल है, ये रहा गोकुल, बस उसके अपोजिट में यहाँ पे दुकान है श्री फास्ट फूड, यार मस्त पास्ता बनता है यहाँ पे, और ये अंकल देंगे आपको पास्ता। यहाँ का मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरा नाम ले लो एकदम, यहाँ पे आपको मतलब डिस्काउंट मिलेगा पास्ता में। डिस्काउंट तो नहीं लेकिन अच्छा आपको क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट, मतलब आप लोग आओ ना यार यहाँ का, एक बार खाने के बाद आपको लेने का मन करेगा खाने का। हमारा पास्ता आ चुका है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता है आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।